हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना काफ़ी आसान है। इस वीडियो में मैं वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जिससे ये काफ़ी स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए इस सुपर टेस्टी तिल गुड़ के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप तिल लिया है, एक कप गुड़ लिया है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। एक कप गुड़, एक कप तिल। मीडियम स्लो आँच पे तिल को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तिल को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। दो मिनट तक भुनने के बाद ये हल्का लाल होना शुरू हो गए हैं। एक मिनट और भुनने के बाद अब तिल हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब भुने हुए तिल को एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। सेम कढ़ाई में दो चम्मच पानी डाल देना है और इसमें गुड़ को डालकर अच्छी तरह से इसे पिघलाना है। पानी डाल देने से गुड़ जलेगा नहीं। दो मिनट चलाने के बाद गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। अब इसमें एक चम्मच घी मिक्स कर देना है। घी मिक्स कर देने से लड्डू सॉफ्ट बनेंगे। मीडियम आंच पे गुड़ को लगातार चलाते रहना है। अब 5 मिनट हो गए हैं, गुड़ थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब एक कटोरी में ठंडा पानी ले लेंगे। इसमें एक ड्रॉप डालकर देखना है, यदि ये फैल रहा है तो अभी नहीं हुआ है। गुड़ को 1 मिनट तक और चला लेना है। अब फिर से चेक करना है, इसके लिए एक ड्रॉप फिर से पानी में डालना है। यदि ये जम रहे हैं मतलब कि ये हो गया। अब इसमें भुने हुए तिल को मिक्स कर देना है। गैस को बंद कर देना है और तिल को अच्छी तरह से चलाते हुए गुड़ में मिक्स करना है। इस प्रोसेस को हमें जल्दी जल्दी करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब गुड़ और तिल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकाल कर इसे चलाकर थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब ये थोड़ा ठंडा होने लगा है, एक बाउल में ठंडा पानी ले लेना है। हाथ में ठंडा पानी लगाकर थोड़े से तिल और गुड़ को लेकर इसे गोल करना है। इस तरह से इसे गोल करते जाना है। सभी लड्डू को हमें इसी तरह जल्दी से बना लेना है। इसे जल्दी करना होता है, इसीलिए घर में कोई और है तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। जिस कढ़ाई में बनाया था उसमें गर्म पानी डाल दें तो ये इजीली साफ़ हो जाते हैं। इस तरह से हमारा सुपर टेस्टी तिल गुड़ का लड्डू सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर 15 दिनों तक खा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल देसी व्यंजन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।